यूपी के रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला। आजम खान ने कहा कि ये लोग एक बार 47 को रिपीट करना चाह रहे हैं। दरअसल मीडिया ने आजम खान से हिंदू मुस्लिम बयानबाजी पर सवाल पूछा था। उसके जवाब में आजम खान ने कहा कि ये लोग 47 को रिपीट करना चाह रहे हैं। आजम ने कहा कि हम हिंदुस्तान छोड़कर जा नहीं सकते, हमारी तादाद 18-20 है। आज के टाइम कोई देश 20 लोगों को लेने को तैयार नहीं है, हमारी वजह से सब परेशान है। वहीं आजम खान ने अमित शाह के बेटे पर निशाना साधा, कहा अमित शाह के बेटे रातों रात अरबपति हो गए हैं, वो पकौड़े बेच कर हो गए हैं। अब ये कोई चैनल नहीं चलाएगा हमारी बात, या फिर कोई जांच नहीं बैठेगी, या सबकी जांच बेटे की जांच ही नहीं होगी। एक बार 47 को रिपीट करना चाह रहे, नहीं कोई नहीं लेगा। इतने बहुत से 18-20 करोड़ को कौन लेगा, 18-20 को नहीं लेता कोई देश। रोहिंग्या मुसलमानों का क्या हुआ, वापस जाना पड़ा। बांग्लादेशियों का क्या हुआ, शहरियत कहाँ मिली, वापस जाना पड़ा। तब ये इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की कहाँ चली जाएगी कि हम तो मोहब्बत से रहना चाहते हैं, आप ही नहीं रखना चाहते तो आओ चलो बैठ के बात करो, हम नहीं चाहते हमारी वजह से आप परेशान हो तो बात जी। उनके बेटे साहब जो रातों रात खरबोपति हो गए, वो पकौड़ी बेच के तो हुए। अब ये कोई चैनल नहीं चलाएगा हमारी बात। अमित शाह साहब के बेटे ने पकौड़े बेचे, चाय बनाई, रातों रात खरबोपति हो, कोई जांच नहीं, सबकी जांचें बेटे की जांच नहीं। श्री बालाजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है नए वर्ष के साथ खुशियों का अपना सुंदर, सस्ता और सुख की सारी सुविधाओं से भरपूर आपका अपना घर, जो वन रूम किचन, 1 BHK, 2 BHK रूम के साथ बिल्डिंग तथा चालों में दुकानें, गालों के साथ और भी बहुत कुछ, विशेष सुविधाओं से भरपूर, सुलभ हफ्तों पर भी रूम, फ्लैट, गाला उपलब्ध। हमारा काम ही हमारी पहचान है। आज ही बुक कराएं दीवा डोंबिवली, आज ही दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। श्री श्री बालाजी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स, आपका अपना खुशियों का घर।